going to start the female reproductive system. The female reproductive system, as like the male reproductive system, also having the external and the internal genitalia. Having the external and the internal reproductive organs. Female के अंदर जो external genitalia है, it consisting about the two sets of labia and clitoris or vaginal opening. These are the external genitalia which are visible in the female reproductive tract or the system. Two sets of labia, in which one is the labia majora, major se hai, bada. Agar dikha jaye, female ke andar do uski teh padi hoti hai. Jo bahar wali moti teh hai, usse hum kehte hain labia majora, aur uske andar ek aur layer hai, jiska naam hota hai labia minora, wo minor se hai. So there are the two sets of labia, labia majora and labia minora. Then उसके साथ अंदर एक vaginal opening है. क्या चीज़ है? Vaginal opening. Vaginal opening is partially covered by a thin vascular membrane. Vaginal opening is partially covered by the thin vascular membrane, which is called hymen. इसका नाम क्या होता है? Hymen. और ये जो hymen है, ये female के अंदर उसकी virginity की, यानी कि उसके कौरेपन की निशानी होती है, जिसको हम उर्फे आम में seal भी कह देते हैं. ये क्या है? Hymen है. तो जो menses हैं, वो इस हाइमन के साथ अंदर जो सुराख है, वेजाइनल ओपनिंग है, वहां से आते हैं. जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, सेक्स होता है, तो फिर ये हाइमन ये फटती है, इसके फटने से फिर जाकर ब्लीडिंग होती है. ये बहुत ही नाजुक सा पर्दा है, ये वैसे भी फट सकता है. यानी कि अगर फीमेल ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करती हैं, गेम करती हैं, जिमनास्टिक है, या लेग्स को ज़्यादा स्ट्रेच करती हैं, या साइकिलिंग करती हैं, तो उसकी वजह से भी हाइमन फट सकती है. ये बहुत ही नाजुक पर्दा है, वरना ये किसी वर्जिनिटी की निशानी नहीं हो सकती. अगर फट जाए तो फटना इस चीज़ की निशानी है कि लाजमी तौर पर इंटरकोर्स हुआ है. ये वैसे भी, जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट से, एथलीट से, या फिर जंपिंग से, साइकिलिंग से फट भी सकता है. देन इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर ना नजर आने वाला एक चीरा सा है, सुराख है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा है, ये पेशाब का पॉइंट है, जहां से यूरिनेशन होती है. यानी कि फीमेल के अंदर जो यूरिनेशन है, पेशाब है, वो यूरेथ्रा से निकलता है. इन फीमेल बोथ यूरेथ्रा एंड द वजाइना हैज अ सेपरेट ओपनिंग. इन फीमेल बोथ यूरेथ्रा एंड द वजाइना हैज अ सेपरेट ओपनिंग. मेंसेस विजाइना में से निकलते हैं, जबकि यूरिनेशन वो यूरेथ्रा से होती है. यूरेथ्रा के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा दाना सा है, जिसे हम कहते हैं क्लाइट्रस. ये क्लाइट्रस है, ये फीमेल का रूटिमेंट्री पीनस है. ये फीमेल का रूटिमेंट्री पीनस है. और ऑल द सेंसेशन ऑफ द फीमेल इज प्रेजेंट in the clitoris and besides labia majora and the minora. यानी कि जब sexual arousal होती है, जिनसी ख्वाहिशात पैदा होते हैं, तो उस वक्त ये clitoris, labia majora और minora ये सारे heat up हो जाते हैं. They are engorged with the blood. ये blood से भर जाते हैं और red हो जाते हैं. ये सारा जो आपको दिखाया है, ये सारा external genitalia है. जिसमें टू सेट्स ऑफ द लेबिया, लेबिया मेजरा और लेबिया माइनरा. देन उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग है, विच इज पार्शली कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड हाइमन. उसके ऊपर यूरेथ्रा, पेशाब का निशान है, पेशाब जहां से निकलता है,
स्टूडेंट बच्चे समझते हैं कि शायद जो पेशाब में विजाइना से आता है, विजाइना से नहीं आएगा पेशाब, उसके ऊपर एक चीरा सा छोटा सा यूरेथ्रा जहां से आता है। ये सुराख इतना छोटा है जैसा कि पीनस की टिप के ऊपर सुराख होते हैं जहां से यूरिनेशन हो रही होती है। पेशाब आएगा तो वो सुराख खुलता है वरना बंद हो जाएगा। तो उसी तरह वह फीमेल के अंदर भी इस जस्ट लाइक ए स्लिट है, पतला सा चीरा है जहां से यूरिनेशन होते पेशाब निकलता है। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। जो इंटरनल जेनिटेलिया है यानी कि वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो उसके बॉडी के अंदर मौजूद है, जो वाजे नजर नहीं आ रहे, उसमें वन पेयर ऑफ ओवरीज, ये रेड वाली ओवरीज है, देन वन पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ये ओविडक्ट्स हैं। ओविडक्ट को हम फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। ओविडक्ट इज आल्सो नेम्ड एज फलोपियन ट्यूब या यूट्राइन डक्ट। देन उसके बाद यूटेरस है, ये वाला हिस्सा सारा उसका यूटेरस है, ये बच्चा दाता है। बच्चा यहां जाकर ठहरता है, प्रेगनेंसी इसमें जाकर होती है यूटेरस का। ओवी का काम होता है एग की प्रोडक्शन, एग यहां पर बनता है यानी कि ओवोजेनेसिस का प्रोसेस यहां पर होगा ओवरी के अंदर। एग की प्रोडक्शन या उसके बनने का नाम है ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस या एग कहां पर बनेगा? ओवरी के अंदर, जो ओवरीज है ओवरी के अंदर बनेगा। अब वो एग कैसे बनता है? ओवरी के अंदर उसके जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और वहां होते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। सेम उसी तरह ओवरी के अंदर भी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं। तो वहां माइटोसिस के जरिए सबसे पहला जो सेल बनेगा उसका नाम है ओवोगोनिया। मेल के अंदर वहां था स्पर्मेटोगोन था। अब यहां पर आपने ये करना है कि जहां जहां लफ्ज स्पर्म है था उसको हटाकर आपने वहां पर ओवो का लफ्ज लगा देना है। ओवोगोनिया बना कहां पर? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ओवरी। देन उसके साइज में इजाफा होगा, सेम उसी तरह उससे जाकर बनेगा प्राइमरी ओवोसाइट। तो ये सारे यहां तक डिप्लॉइड है। अब जाकर मियोसिस होगी, मियोसिस वन होगी, उसके रिजल्ट के तौर पर टू सेकेंडरी ओवोसाइट बनते हैं और वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। मियोसिस वन की निशानी है कि वहां पर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और फिर उसके दांत भी दो हो जाते हैं। Then secondary ovocyte के ऊपर meiosis 2 होगी और उसके result के तौर पर total 4 cell बनते हैं। उन 4 में से 1 ovum होगा, egg होगा और 3 उसके साथ polar bodies हैं। तो polar bodies हैं, उसका reproduction में कोई काम नहीं है, वो जाया जाने। reproduction में काम अगर बचेगा सिर्फ उस ovum का बचेगा। अब हम चलते हैं वापस इधर कि ovary के अंदर ovum बन चुका है, लेकिन वो जो ovum है वो एक बाल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सराउंडेड है, उसके अंदर मौजूद है। अब एग जिसके अंदर मौजूद है इस बाल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है फॉलिकल। ये फॉलिकल है, देन फॉलिकल रप्चर होगा, रप्चर होगा तो एग उसमें से निकल आएगा। द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये अमल ओवुलेशन कहलाता है। ये बुक वाला कहता है रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी इस कार्ड ओवुलेशन, लेकिन असल है रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द फॉलिकल इस कार्ड ओवुलेशन, कि ये फॉलिकल फटेगा, एग उसमें से निकल आएगा और जो फटा हुआ फॉलिकल है वो ऐसे पिचक जाएगा, पिचकेगा और वो येलो हो जाएगा और वो ग्लैंडुलर है। अब उसका नाम है कार्पस ल्यूटियम, वो कार्पस ल्यूटियम है कि फॉलिकल फटा, एग उसमें से रिलीज हुआ। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। देन फटा हुआ फॉलिकल पिचक जाएगा और वो येलो पड़ जाएगा, इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। ये अपने अंदर से एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन निकालता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज एसेंशियल टू मेंटेन या हेल्ड द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वो होना लाजमी है। अब एग यहां से निकला, एग जहां से निकल कर कहां पर पहुंचेगा? इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट के शुरू वाले हिस्से में। अगर तो स्पर्म यहां से आता है तो स्पर्म यहां से ट्रैवल करता हुआ वो ओविडक्ट के शुरू वाले हिस्से में जाकर इस एग के साथ जाकर मिलेगा और उसे जाकर फर्टिलाइज करेगा, उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और वो बन जाएगा जाइगोट।
तकरीबन 3 से 4 डेज तक ये जायगोट यहां पर स्टे करेगा। देन इतने टाइम के बाद ये यहां से निकलेगा और फिर आकर ये यूटरस में किसी एक क्रैक के अंदर जाकर फंसेगा। जिस क्रैक में जाकर फंसेगा वहां पर इसका कनेक्शन जाकर मदर वाल के साथ बनेगा। तो वो जो कनेक्शन बनता है मदर वाल के साथ उसे कहते हैं प्लेसेंटा। अब चाहे वो एम्ब्रियो या फीटस जितना बड़ा हो जाए, जहां सबसे पहले आकर अटका था क्रैक के अंदर, उसका कनेक्शन वहां रहेगा, उसकी डिलीवरी तक वहीं रहेगा कनेक्शन उसका। तो वो जो कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये कौन है? प्लेसेंटा है। बच्चे समझते हैं शायद प्लेसेंटा ये नाली है, ये नहीं है, बल्कि वो कनेक्शन है। इस कनेक्शन का नाम प्लेसेंटा है। प्लेसेंटल कनेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको डिसकनेक्शन से बचाने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इस्तेमाल होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर लेवल डाउन हुआ प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर ये कनेक्शन वहां से उखड़ सकता है। अगर उखड़ा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और बच्चा उसका जाया हो जाएगा। अगर ऐसा केस सामने आ रहा हो कि पेन हो रही हो मदर को, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कनेक्शन उसका उखड़ता जा रहा है, तो डॉक्टर उसको मसनूई तरीके से प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाता है ताकि कनेक्शन को टूटने से बचाया जा सके। तो कनेक्शन बना रहेगा। ये जो प्लेसेंटा है, दिस वन इज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द फीटस एंड द मदर। इसी प्लेसेंटा के जरिए मदर उस फीटस को हर चीज प्रोवाइड कर रही होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स, उसको गैसेस, वाटर, हर चीज की सप्लाई इसी प्लेसेंटा के जरिए उस बच्चे को हो रही होती है। और जो बच्चे का वेस्ट है इसी प्लेसेंटा के रास्ते फिर वापस मदर के ब्लड में आएगा और मदर अपने वेस्ट के साथ उस बच्चे के वेस्ट को जिस्म से निकालती रहती है। जो एग है, एग उसकी जो लाइफ है, एग लाइफ वो है 48 आवर्स। हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म है उसकी लाइफ है 72 आवर्स, 3 दिन, और जो एग है उसकी लाइफ होते 48 आवर्स। 48 आवर्स तक ये जिंदा रहेगा। अगर उन 48 आवर्स में स्पर्म जहां से आया तो जाकर उस एग को फर्टिलाइज कर देगा और वो जायगोट बनेगा और फिर आकर इम्प्लांट होगा उस यूट्रस के अंदर और उसकी प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। अगर वो वर्जिन है, कुंवारी है और स्पर्म भी नहीं आता तो फिर उसका एग आहिस्ता आहिस्ता जाया हो जाएगा। ये कैसे जाया होगा, आगे क्या होगा, ये जाकर आपको बताएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का।